हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर तो देख ही लिया होगा। ये दूसरा लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट का। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट का मेजरमेंट वाला हिस्सा देखा था। उसका देखिए ये वीडियो भी है, आप लोग देख सकते हैं। नीड ऑफ मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं यूनिट से। तो यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? किसी भी चीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने कहानी सुना था, राजा वाली कहानी, उस कहानी में राजा ने क्या किया था? एक स्टैंडर्ड बनाया था, है ना। अपने हाथ जितना बड़ा उसका हाथ था, उतने बड़े हाथ का एक रड बनवा लिया और उसको पूरे गांव में बांट दिया, तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया, है ना। तो उसी तरीके से अब व्यापार जो है वो सारे देश विदेश में फैलने लगा, है ना। तो अब मान लिया कि एक गांव में एक राजा के हाथ के बराबर रड चलता है और दूसरे गांव में दूसरा राजा होगा तो उसके हाथ का रड चलेगा। तो अब एक गांव से व्यापार दूसरे गांव में होगा तो ऐसे तो ये हो जाएगा ना, मान लिया एक राजे का हाइट कुछ और होगा, दूसरे राजे का हाइट कुछ और होगा, है ना। तो दोनों का हाथ की जो लंबाई होगी वो बराबर तो नहीं होगी, तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड होगा वो भी आपका फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो पैमाना है, स्टैंडर्ड जो है, उसको एक वर्ल्ड लेवल पे क्रिएट किया गया, है ना। और वो स्टैंडर्ड ही एक्सेप्ट होने लगा। तो जो भी स्टैंडर्ड हम जिस भी चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड आपका यूनिट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, ये फोर्स का एग्जांपल दिया है मैंने, है ना, कि हम मान लिया किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं और धक्का कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या है? आपका फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि आपको मेज़र करना है। 10 क्या है? 10 हो गया आपका मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा रहे हैं। और न्यूटन क्या है? न्यूटन यूनिट है कि आप जो है इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स इतनी बार लगा रहे हैं ना। न्यूटन क्या है? यूनिट है। जैसे कपड़े के दुकान में जब आप 8 मीटर बोल रहे हो तो स्केल से क्या करता है, वो 8 बार स्केल से नाप लेता है। उसी तरीके से ये 10 न्यूटन है, यानी कि आप 10 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो। और एक और एग्जांपल अगर मैं दूंगा आपको, सपोज़ अगर ओनियन है तो ओनियन इज इक्वल टू, आप 10 केजी नहीं लिखते हो ना, ओनियन इज इक्वल टू 10 केजी नहीं लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, लेकिन ओनियन जो है ओनियन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओनियन में ओनियन का वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, है ना। ओनियन का एक वेट फिजिकल क्वांटिटी है। ओनियन अगर हम लिखें तो ओनियन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनियन का डायमीटर भी हो सकता है, ओनियन का मॉइस्चर भी हो सकता है, है ना, ओनियन का वेट भी हो सकता है, है ना। तो ओनियन के केस में हम वेट मेजर कर रहे हैं, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। और किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड है नापने का, तो किलोग्राम यूनिट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जितने तरीके के फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था उन सब के लिए एक अलग अलग यूनिट बनाया गया है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर इसके आगे पढ़ा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सब के लिए एक अलग अलग यूनिट है। इसमें जितने भी दिख रहे हैं, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब के लिए एक अलग अलग यूनिट है। हर चीज़ को नापने के लिए एक अलग अलग पैमाना बनाया गया है,
है ना, हम अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं कि किसी चीज़ का वेट अगर नापना है तो किलोग्राम वाला बटखरा चढ़ा देते हैं, है ना। अगर किसी का लेंथ नापना है तो हम स्केल से नापते हैं, है ना। उसी तरीके से हर चीज़ का अलग अलग, हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो सबका अपना अपना यूनिट है। तो यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ यूनिट में, तो जितने तरीके के हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे उतने ही टाइप भी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को जो नाप ले वो फंडामेंटल यूनिट है ना। देखिए यहाँ पे द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। उसी तरीके से डेराइव्ड क्वांटिटी को जो नापेगा तो वो डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। जो यूनिट डेराइव्ड यूनिट को नापेगा, डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करेगा, उसको डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। उसी तरीके से जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करे वो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। क्लियर है। तो जितने तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होंगे उतने ही तरीके के आपके यूनिट्स के टाइप भी होंगे। तीनों का अलग अलग अपना कैटेगरी है, और ये सारे कैटेगरी जो हैं तीनों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये तीनों यूनिट सफिशियंट है, सारे को कवर कर लेते हैं। क्लियर है। अब एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, है ना। जैसा कि हमने राजा वाले के केस में देखा, राजा के केस में कि राजा ने जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया उसका स्टैंडर्ड यूनिट फेल होने लगा। कब? जब राजा का अपने गांव में तो स्टैंडर्ड यूनिट ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकला तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट फेल हो गया, क्योंकि उसके गांव में दूसरा यूनिट चल रहा था। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए कि वो सब जगह चले, है ना। तो कैसा होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड यूनिट, जो यूनिट आप नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो हम अब देखने वाले हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा होना चाहिए कि जो कि वेल डिफाइंड हो। अब जैसे राजा ने अपने हाथ वाला साइज दे दिया, राजा के बगल वाले गांव में गए तो हाथ का लेंथ चेंज हो गया, है ना। फिर दूसरे गांव में गए तो हाथ का लेंथ और चेंज हो गया या छोटा हो गया, है ना, इससे छोटा ही हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है, है ना, कहीं पे कुछ हो जा रहा है कहीं पे कुछ हो जा रहा है। तो ऐसे तो व्यापार करने में दिक्कत होगा ना। अब तो सोचो दुनिया में हर जगह कारोबार होता है, कपड़ा इंडिया से अमेरिका जाता है, अमेरिका से इंडिया वापस आता है। तो इस तरीके से अगर साइज चेंज होगा तो क्या कपड़ा हमको आएगा? नहीं आएगा ना। तो उस तरीके से कि साइज यूनिट जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि 1 मीटर मतलब इतना ही बड़ा, ये पूरे दुनिया में 1 मीटर इतना ही बड़ा रहेगा, ना इससे 1 इंच, ना एक इससे 1 mm भी छोटा, ना इससे 1 mm भी बड़ा, है ना। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ आया। सेकंड पॉइंट है कि उसका साइज सुटेबल होना चाहिए। जैसे कि यूनिट का जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए ताकि आपको इस्तेमाल करने में आसानी हो। अब भारी भड़कम सा होगा, आप सोचो कि कपड़े के दुकान में हम जाते हैं तो वो लेंथ मीटर जो स्केल जो होता है वो ऐसा रहे कि उसको क्रेन से उठा करके रखना पड़े, या फिर ऐसा हो कि बहुत दुश्वारी हो इसको इस्तेमाल करने में, तो ये तो सही नहीं है ना। तो ऐसा होना चाहिए सुटेबल साइज का, बढ़िया सा, कि आपको इस्तेमाल करने में भी आसानी हो। थर्ड पॉइंट है कि टाइम और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह में आपने अपना वेट मेजर किया 61 kg, अब उसी वेट स्केल से आप अपना शाम को वेट मेजर कर रहे हो तो वेट हो जा रहा है 58 kg, है ना, या 50 kg। तो वेट क्या हो गया? मेजर हो गया टाइम के अकॉर्डिंग, सुबह में कुछ शाम में कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वेट ऐसा ऐसा रहेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा ना। तो जो आपका यूनिट होना चाहिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेस टू प्लेस का कहने का क्या मतलब है? जैसे
अब इंडिया में तुम पटना से एयरपोर्ट से ये किए, तुमने उड़ान भरी, तुम रवाना हुए दिल्ली के लिए या अमेरिका के लिए या कनाडा के लिए, कहीं के लिए भी। तो हम जानते हैं प्लेन में एक फिक्स लगेज अलाउ होता है, 34 kg इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए या डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 58, 15 kg, इस तरीके से एक क्राइटेरिया होता है कि आप इतना केजी लगेज लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हो। तो आपने अपना बैग पैक किया, जितना क्राइटेरिया बताया गया था उसके अकॉर्डिंग, 15 kg, मान लीजिए कि 15 kg अलाउ था आपको लेके जाना, तो आप 15 kg लेके चढ़ गए। अब आप पहुंचे दिल्ली तो पता चला कि आपका वेट चेंज हो गया कितना, 18 kg। तो क्या हो गया, 3 kg का अंतर हो गया यहाँ पे। तो जो अंतर हुआ तो इस 3 kg का आपको पेनल्टी देना होगा, 600 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आपका तो 1800 का लॉस हो गया ना, हुआ ना। तो इस तरीके से जगह के हिसाब से भी आपका यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही हर जगह होना चाहिए, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसी तरीके से अगला पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझ आया ना कि टाइम और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, जो यहाँ है वो हर जगह होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हर जगह इसको आसानी से बनाया जा सके। अब मान लिया कि जो किलोग्राम वाला बटखरा होता है, जिसको रख करके लोग नापते हैं चीनी चावल जो भी है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही बनेगा। मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही बनता है, तो अमेरिका से इंडिया लाने में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, या फिर आउट एरिया में इसको पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ऐसा होना चाहिए कि हर जगह आसानी से इसको बनाया जा सके, ताकि लोग इजिली इस्तेमाल करें। जो चीज़ मुश्किल से मिलती है तो लोग उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो फिर क्या करेंगे लोग, इसको हटा करके फिर पत्थर उत्थर लगा करके नापना मेज़र करना शुरू कर देंगे। कैसे लोग करते हैं कि एक चिमकी में, एक प्लास्टिक में लोग डाल लेते हैं, 3 4 पत्थर, बोलते हैं ये 250 ग्राम हो गए। तो वैसे में तो फिर कस्टमर का लॉस है, अब पता नहीं 250 ग्राम है भी कि या नहीं भी है ना। तो ये सब परेशानी है। तो ऐसा होना चाहिए कि हर जगह आसानी से मिल सके, इजिली रिप्रोड्यूस हो सके। तीसरी बात, अच्छा आगे है कि टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा जो है फिजिकल कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग चेंज ना हो जाए। जैसे सपोज आप पहाड़ जो अब चढ़ते हैं, है ना, अब कोई आदमी जो है सपोज अपना ये लेकर के गया, जो पहाड़ जो भी लोग चढ़ते हैं, तो पहाड़ चढ़ने के लिए ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना। तो ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो लोग अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो मान लिया कि नीचे नीचे चढ़ने से पहले, यानी कि ज़मीन पे, उन्होंने अपने ऑक्सीजन का वेट मेज़र किया, उनको वेट मिला कि चलो मेरे पास ऑक्सीजन है 6 kg। अब वो लेके चढ़ चढ़ गए ऊपर पहाड़ पे। अब पहाड़ पे चढ़ के बैठे हैं मतलब, और सोच देखना चाहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन अब कितना बचा है। तो वेट कर रहे हैं तो पता चल रहा है उनको कि 8 kg है। तो ये कैसे हो सकता है, 6 kg लेके चढ़े थे तो 8 kg कैसे हो गया भाई। तो यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है कि पहाड़ पे चढ़ने के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया, पहाड़ पे प्रेशर भी चेंज हो जाता है ना, काफ़ी ऊंचाई होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आपका स्टैंडर्ड बदल गया। तो बदल गया तो अब तो वो मेज़र नहीं कर पा रहा बेचारा, कंफ्यूजन में है कि पता नहीं ज़्यादा है कि कम है, कितना बचा है, हम नीचे पहुंच भी पाएंगे कि अभी हमको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से चल देना चाहिए, है ना। तो ये सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। और अगेन ये फोर्थ पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि हर जगह आसानी से बनाया जा सके, और सिक्स पॉइंट क्या बता रहा है कि हर जगह आसानी से अवेलेबल हो, है ना, हर जगह आसानी से बनाया जा सके ये पॉइंट, और सिक्स पॉइंट बता रहा है कि हर जगह आसानी से अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो लोग किसी और माध्यम पे स्विच कर जाएंगे, है ना, कोई और तरीका इस्तेमाल करने लग जाएंगे।
एंड लास्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट कि सारे दुनिया में एक्सेप्टेड हो, ऐसा आपका यूनिट होना चाहिए। तो ऐसा ही यूनिट लोगों ने बनाने की कोशिश की, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट जो पहले प्रचलन में थे हम आपसे पहले, उसमें से कुछ अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा तुमको। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ये तीन यूनिट है ना, लेंथ के लिए आपको हो जाएगा सेंटीमीटर, लेंथ के लिए इस सिस्टम में उस जमाने के लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करते थे, मास के लिए ग्राम इस्तेमाल करते थे और टाइम नापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये फ्रेंच का सिस्टम है, फ्रेंच के लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, सीजीएस सिस्टम को। उसके बाद अगला है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या है कि ये ब्रिटिश का सिस्टम है, ब्रिटिश के लोग इसको इस्तेमाल करते थे, ये उनके कंट्री का, ये फ्रेंच के कंट्री का था और ये ब्रिटिश के कंट्री का था। तो ब्रिटिश कंट्री में क्या था कि फुट, एफ फोर हो गया फुट, पी फोर पाउंड और एस फोर सेकेंड, यानी कि लंबाई नापने के लिए ये लोग फुट का इस्तेमाल करते थे। अभी भी हम लोग बोलते हैं 6 फुट है ना, तो फुट और मास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, पाउंड का। तो अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केक लाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 पाउंड का केक दे दीजिए, 2 पाउंड का केक दे दीजिए, है ना। तो ये फुट लेंथ के लिए फुट का, मास के लिए पाउंड का और टाइम के लिए सेकंड का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो ये एफपीएस सिस्टम है और ब्रिटिश में इस्तेमाल होता था। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो है इसमें लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये भी फ्रेंच का सिस्टम था, है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हुई तो वो लोग यहाँ से इस पे स्विच कर गए। ठीक है, अब एमकेएस सिस्टम का ही एक एडवांस सिस्टम है, क्योंकि जब एमकेएस सिस्टम था तो उस समय ये सब क्वांटिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे लोग। तो उनके पास तीन ही चीज़ था, कौन कौन, लेंथ, मास, टाइम, ये तीन चीज़। तो तीनों चीज़ को नापने के लिए उन्होंने अपना यूनिट बनाया हुआ था और उसका नाम था क्या, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जैसे जैसे साइंस फिर इन्वेंशन हुआ साइंस में, तो लोगों को ज़्यादा चीज़ें नापने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर उन्होंने और चीज़ों का इन्वेंशन किया, और यूनिट का इन्वेंशन किया। तो फिर एमकेएस सिस्टम का ही नाम बदल के क्या रख दिया गया, एसआई सिस्टम, जिसमें सारे के सारे क्वांटिटी को कवर किया जाता है। ठीक है, अब एसआई सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में कि एसआई सिस्टम क्या है बताएं, और इसके साथ फंडामेंटल क्वांटिटी को यूनिट और सिंबल के साथ बताएं। तो यानी कि ये वाला लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़, इसको आप याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं कि एसआई सिस्टम जो है उसके फायदे क्या है, समझ तो गए कि आप क्या है ना। तो अब इसके फायदे क्या है वो देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एसआई यूनिट। देखो इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को भी मेंशन किया गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी प्लेन एंगल, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 2D अगर एंगल है, ये एंगल कितना है तो इसको हम रेडियन में नापते हैं, है ना, इसका सिंबल RAD। और सॉलिड एंगल जो बर्थडे कैप का बताया था कि सॉलिड एंगल को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका यूनिट है स्टे रेडियन, सिंबल में SR लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ SI यूनिट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि SI यूनिट के क्या फायदे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमने 4 देखे, कौन कौन 4 यहाँ पे देखे ना, सिस्टम ऑफ यूनिट,
एक देखा सीजीएस, एक देखा एफपीएस, एक देखा एमकेएस और ये लास्ट वाला है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम के क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे। तो देखो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके पास 7 बेस यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 7 बेस यूनिट यानी कि ये 7 बेस यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि ये दोनों और ये सातों मिलके सारे के सारे क्वांटिटी को कवर कर लेते हैं। कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो कि बच जाए। तो हमको किसी और सिस्टम के पे के पास जाने की क्या ज़रूरत है ना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इसके 7 यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी को कवर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, एसआई यूनिट जो है वो रैशनल है। रैशनल का मतलब कि एक यूनिट के लिए एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे देखो कि पहले में कितना एनर्जी का कितना यूनिट था, है ना। एनर्जी का यूनिट क्या था, कैलोरी भी था, एनर्जी का यूनिट आपका वाट भी था, है ना। समझ आ रहा है ना, एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी थी ना। पहले कैलोरी भी हम लिखते थे कि आपका इतना कैलोरी बर्न हो जाता है। उसी तरीके से वाट भी था एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वाट, है ना। तो वाट आवर, पावर का यूनिट वाट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लिखते थे वाट आवर, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट थे एनर्जी के। एसआई यूनिट में एक यूनिट के लिए एक ही एनर्जी, यानी यूनिट इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी हो गया एनर्जी, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल, है ना। तो सबको हमने क्या कर दिया, एक एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट। ऐसा नहीं कि 10 तरीके के लिए 10 यूनिट, एक क्वांटिटी के लिए 10 यूनिट, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक अच्छा फायदा है, एक्सप्रेस करने में आसानी होती है। अब बोलेंगे कि 1 वाट है और एक तरफ बोलेंगे 1 कैलोरी है, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। वही अगर बोले कि ये काम करने से इतना जूल की एनर्जी बर्बाद होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतने जूल का है, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, दोनों एनर्जी है और दोनों का यूनिट जूल है ना। तो ये फायदा है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि एसआई यूनिट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने न्यूटन लिखा, है ना, एसआई, ये भी न्यूटन है। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है किसका, फोर्स का। तो फोर्स को हम किस कैसे लिखते हैं, केजी, सॉरी न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो गया, तो हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हो गया केजी और एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। और न्यूटन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल यूनिट में, है ना। केजी मास का हो गया, मीटर किसका हो गया, लेंथ का हो गया, सेकंड का हो गया, टाइम का हो गया सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा ऐसा यूनिट था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो ये फायदा है, समझे। तो ऐसा यूनिट इज, अगला पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट इज कोहेरेंट, दैट इज इट्स एवरी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल यूनिट, समझे। अगला पॉइंट है, एसआई यूनिट इज मेट्रिक। मेट्रिक का मतलब कि हम इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। लिखते हैं ना कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, लिख दिया ना, कैसे लिख दिया, 10 के पावर में, है ना। तो ये फायदा है एसआई यूनिट का कि हम छोटे से छोटे क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, तो इस तरीके से 10 के पावर में एक्सप्रेस करके, क्लियर है। अगला पॉइंट है कि एसआई यूनिट हर कंट्री में एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हर कंट्री में एसआई यूनिट एक्सेप्टेड है।
लास्ट पॉइंट है आपका कि सिंबल जो है एसआई यूनिट का, जैसे कि किलोग्राम के लिए, तो किलोग्राम को हर लैंग्वेज में, चाहे वो चाइनीज हो, फ्रांस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किलोग्राम को किलोग्राम ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लोकल लैंग्वेज में ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिख दिया जाएगा, समझे? तो ये भी एक फ़ायदा है, और लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि अच्छा इतना, मान लिया कि कोई घूमने गया, फॉरनर है, तो वहाँ पे कुछ बिल निकलवाया, तो वहाँ पे इजीली पढ़ तो सकता है कि ये इतना केजी लिखा हुआ है ना? तो ये भी एक फ़ायदा है कि हर लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एसआई यूनिट है। अब यहाँ देखिए, ये कुछ मैंने याद करने के लिए आप लोगों को दिया है। ये प्रीफिक्स है और सब मल्टीपल्स है, जो कि आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे देखो इसमें टेरा सिंबल टी है, 10 to the power 12। यहाँ देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना किलो, तो किलो का मतलब 10 to the power 3, और लिखते कैसे, के, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये रट लेना, और कुछ नहीं करना। चलो तो फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे फिर से, जिसका नाम होगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।